हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिप्स रोल और बिल्कुल मार्केट स्टाइल, वो भी एक ही आलू से। और ये खाने में इतने क्रिस्पी हैं और टेस्टी हैं, मसालेदार, बिल्कुल घर पर ही बनाइए, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक आलू लिया है मैंने, ये मीडियम से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है ये आलू का। इसको पहले मैं छील लूँगी अच्छी तरह से। देखिए, आलू को अच्छी तरह से मैंने छील लिया है और अच्छी तरह से धो भी लिया है। अब ये देखिए, कद्दूकस की हेल्प से मैं इसे चिप्स की शेप में इसे कट करूँगी। देखिए, बिल्कुल पतले पतले इसके स्लाइस हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसी तरह के स्लाइस हमें करने हैं। सारे स्लाइस इसके हो गए हैं। अब इसे मैं वॉश करूँगी, चार पांच पानी में से हम इसे अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसका जो स्टार्च है सारा निकल जाए। ये देखिए, मैंने पांच पानी में से अच्छी तरह से धो लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं निकाल लूंगी पानी में से। मैंने एक प्लेट में सारे आलू के चिप्स निकाल लिए हैं। देखिए, एक मैंने ये टॉवल लिया है, टॉवल के ऊपर मैंने सारे चिप्स निकाल के रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए। इसको अलग अलग करके हमने रखना है। देखिए, सारे चिप्स मैंने फैला दिए हैं टॉवल के ऊपर। सारे चिप्स के ऊपर अब देखिए मैं टॉवल को इस तरह से रख दूंगी। अब जितना भी पानी है ये टॉवल हमारा सूख लेगा। देखिए, चिप्स को हमने दो तीन मिनट के लिए इसी तरह से टॉवल के साथ ढक के रखा था, सारा पानी इसका सूख गया है चिप्स का। देखिए, अब बिल्कुल सूख गए हैं ये हमारे, आप देख सकते हैं। अब इसे हम स्टिक रोल करके स्टिक के अंदर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें रोल करना है और स्टिक के अंदर डाल देना है। जितने भी चिप्स हैं इस तरह से हमने डाल दिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से दूसरा पीस उठाएंगे, इसको भी इसी तरह से हम रोल करेंगे। इसी तरह से देखिए, सारे चिप्स को मैंने स्टिक के अंदर डाल दिया है। देखिए, हमारे सारे चिप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। और सभी चिप्स रोल को हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। पहले मैंने डाली है थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने नमक। साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है चाट मसाला। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर दूंगी। देखिए, सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने सारे चिप्स रोल धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल देने हैं। इसी तरह से हमें चिप्स रोल को फ्राई करना है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर, तभी ये हमारे चिप्स रोल क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, अब कलर भी अच्छा आ गया। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे बनकर हमारे ये रेडी हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।